विलियम शेक्सपियर ने एक बार कहा था कि नाम में क्या रखा है, किसी चीज का नाम बदलने देने से भी क्या चीज वही रहती है। गुलाब को किसी का भी नाम से पुकारो वो गुलाब ही रहेगा। शेक्सपियर के इस कथन को आज इसलिए याद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के बड़े रेलवे स्टेशन मुगल सराय का नाम बदल दिया है। अब इस स्टेशन को दीनदयाल स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। ऐसा नहीं है कि नाम बदलने की ये कोई पहली घटना है, कभी राज्यों तो कभी शहरों तो कभी सड़क मोहल्ले के नाम भी वक्त वक्त पर बदलते रहे हैं। पूर्वी पंजाब पंजाब बन गया, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, मध्य भारत मध्य प्रदेश, 2016 में मद्रास, बंबई और कलकत्ता का नाम भी बदल दिया गया। कनॉट प्लेस और कनॉट सर्कस, राजीव चौक और इंदिरा चौक हो गया। दिल्ली के रेस कोर्स का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। ऐसे में बताना तो पड़ेगा, मैं आज हमारा सवाल यह है कि क्या मुगलों का नाम मिटाकर 2019 बीजेपी जीत पाएगी? क्या ऐसी कोशिश वाकई बीजेपी कर रही है? इन तमाम सवालों के साथ हम मेहमानों के साथ खास चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट आप गौर से देखिए। आज से मुगल सराय स्टेशन की पहचान बदल गई। अब इस स्टेशन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की उपस्थिति में नाम बदलने की रस्म अदायगी हुई। नाम बदलने के साथ ही स्टेशन को भगवा रंग में रंग दिया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलने का सुझाव केंद्र सरकार को भेजा था, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया। वाजपेयी सरकार के दौरान भी ये मांग उठी थी। मुगल सराय स्टेशन पर ही 1967 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का रहस्यमय हालात में शव मिला था। बीजेपी ने पंडित दीनदयाल के योगदान को फैसले की वजह बताया तो विपक्ष ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है। हम तो कहते हैं सब बदल डाले, हम आपत्ति भी नहीं करेंगे, आपको जो नाम बदलने बदल दीजिए, जो रंग बदलने बदल दीजिए, लेकिन किसानों पर भी ध्यान दीजिए, उनकी किस्मत भी बदलिए, बेरोजगारों पर भी ध्यान दीजिए, एक बेरोजगार की किस्मत बदल कर दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी को नाम की सियासत करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये एक बड़ा सवाल है। आज इसलिए नाम की सियासत कर रहे हैं कि लोग इनसे न पूछें कि रोजगार कितने दे पाए, स्मार्ट सिटी कितने बना पाए, एम्स कितने बना पाए। साल 1862 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली से हावड़ा के बीच रेल रूट बनाया। इसी दौरान मुगल सराय रेलवे स्टेशन वजूद में आया था। बीजेपी देश में मुगलों के नाम पर बने स्टेशन हो, सड़क हो या फिर कुछ और, विरोध करती रही है। इसी कड़ी में आज मुगल सराय का नाम इतिहास से हटा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुगलों का नाम मिटाकर बीजेपी 2019 जीतेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। इंट्रोडक्शन आप सभी मेहमानों का करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, बीजेपी के नेता हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सचिव हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप हिस्टोरियन हैं। साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद है, अतीकुर रहमान जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। इसके अलावा यासर जिलानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। साथ ही हमारे साथ संजय अग्रवाल जी भी मौजूद हैं, आप एसपी से दत्तालोक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत यहां पर प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे ही इस चर्चा की करना चाहूंगी। दरअसल विरोधी एकजुट होकर पहले भी और अब तो खासतौर से कह रहे हैं कि बीजेपी 2019 का चुनाव मुगलों को मिटाकर जीतने की कोशिश कर रही है। बेरोजगारी खत्म नहीं कर रही, किसानों की समस्याएं खत्म नहीं कर रही, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे रही, बस जुमलेबाजी और अब मुगलों को खत्म करने की मुहिम। देखिए, विकास पर ही अगर मुझे बोलना पड़े तो भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
5 करोड़ लोगों के घरों में एलपीजी गैस पहुंचा दी। मैं सिर्फ विकास की योजनाएं बताऊंगा तो आधा घंटा चले जाएगा, लोग चीखने चिल्लाने लगेंगे विपक्षी। लेकिन अभी बात मुगल सराय के जंक्शन के नाम परिवर्तन की है। देखिए औपनिवेशिक जो काल के जो नाम है उनके परिवर्तन की इस देश में परंपरा रही। विक्टोरिया टर्मिनस जो है मुंबई में वीटी स्टेशन हुआ करता था उसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है आदर जो है नरसिंह राव सरकार के दौरान उसका नामांतरण किया गया। अकबरपुर नाम हुआ करता था एक जिला, उसका नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगर कर दिया गया। तो इस तरह के परिवर्तन होते रहे। भदोही का नाम संत रविदास नगर कर दिया गया। अमेठी का नाम जो है छत्रपति शाहू जी महाराज नगर कर दिया गया। कभी भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया, कभी ये नहीं कहा गया कि चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। आज मुगल सराय जो कभी किसी जमाने में जो है मंगल नगर हुआ करता था, अगर उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया गया तो इससे जो है जिन्होंने अंत्योदय की, चलिए इसी का जवाब सुरेंद्र राजपूत जी यहां आपसे हम लेना चाहेंगे। हालांकि नाम बदलने की राजनीति जो है, रंग बदलने की जो राजनीति जो है वो आज या कल से शुरू नहीं हुई है। जिसकी सत्ता जब भी आई है हमने देखा है कि रंगों के जरिए नाम बदलने की जो राजनीति है वो वक्त वक्त पर सामने आती रही है। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि भाई अगर मैं विकास कार्यों को गिनाऊंगा तो वक्त भी यहां पर कम पड़ जाएगा और बाकी मेहमानों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। नया इसमें क्या हो रहा है, आखिर विरोधियों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? सबीना हमें सच में कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरे के पूरे नाम बदले इनको स्वागत है। नाम के बदले इसके साथ साथ काम भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रेम शुक्ला जी आदरणीय हैं, अच्छे वक्ता हैं, बढ़िया बात बोलते हैं, आधा घंटा नहीं एक घंटा बोल सकते हैं। अगर जुमलेबाजी बोलनी है तो बोले अच्छी कोई बात नहीं, 10 करोड़ रोजगार मिल गए होते कोई बात नहीं थी। यहां पर मेरे 2 मूलभूत प्रश्न हैं। नंबर एक, श्री दीनदयाल उपाध्याय जी की 1967 में मृत्यु हुई थी, संदिग्ध हालत में हुई थी और उस वक्त से लेकर के जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई थी तब तक हमेशा ये लोग हंगामा करते थे, चिल्लाते थे कि उनकी मौत की जांच होनी चाहिए। जिस दिन से नगर निकाय से लेकर के नरेंद्र मोदी तक की इनके पास सरकार है, अब दीनदयाल जी की मौत की जांच क्यों नहीं, सीबीआई से जांच क्यों नहीं, उनकी मौत का सच सामने आए। दूसरी बात, दीनदयाल जी के नाम पर आप नाम रखिए अच्छी बात, वहां पर मृत्यु हुई थी दीनदयाल जी की, लेकिन श्री लाल बहादुर शास्त्री वहां पैदा हुए थे और लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर अगर नाम इस तरीके से कांग्रेस को कहा जाता है तो क्या लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर यह नाम नहीं रखा जा सकता? अगर लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर यह नाम रखते तो मेरे ख्याल से और अच्छा हो जाता। तीसरी बात, अगर इनके पास काम क्या दिखाने के लिए होता तो ये नामों पर राजनीति। चलिए ठीक है सर, आपने 3 बात यहाँ पर कह दिया, बाकी बात आप कह दीजिएगा, लेकिन आप ही के सवाल से जवाब मैं लेने की कोशिश करूंगी कपिल कुमार जी आपसे। हालांकि इतिहास से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, हम सब यहाँ पर जानते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इतिहास का इस्तेमाल आज राजनीति के लिए हो रहा है? मैं किसी भी एक पार्टी का जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन जब भी इतिहास को हम टटोलते हैं तो हमें दिखाई देता है कि उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे आज के खजाने के तौर पर, भविष्य के तौर पर दिखाई देता है। देखिए ऐसा है कि जहां तक इतिहास का सवाल है, इतिहास को तो राजनीति ने कत्ल कर दिया है, चाहे इस तरफ और चाहे उस तरफ। और ये जो सिलेक्टिव राजनीति बन गई है कि जैसे आपने ही कहा कि राजीव चौक नाम रखा जाता है तो वो चुनाव के लिए नहीं है, इंदिरा चौक नाम रखा जाता है तो वो चुनाव के लिए नहीं है, चेन्नई होता है मद्रास से तो वो चुनाव के लिए नहीं है। अभी ममता कुछ बंगाल में बोल रही है कि वेस्ट बंगाल की जगह नाम बंगला करने की बात कर रही है, वो राजनीति नहीं है। मैंने पिछली बार भी एक और नाम के ऊपर जब ये चर्चा हुई थी गुरुग्राम पे या किसी पे, मैंने एक बात कही थी कि राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्लियामेंट की कमेटी बना दी जाए और वो कमेटी ये तय कर ले कि भाई इस देश के अंदर ऐसी कौन सी जगहें हैं 300-400। हम क्यों आज तक डलहौजी नाम रखते हैं, क्यों अंग्रेजों के लॉर्ड डलहौजी के ऊपर हमने नाम रखा हुआ है डलहौजी का। ऐसी जगहों को तय किया जाए और वो कमेटी बैठ के उन नामों को राष्ट्रीय स्तर पे तय करे और एक राष्ट्रीय स्तर पे इसकी नीति बने, ना कि इसके ऊपर एक रोज का तमाशा बन जाए कि हर चौथे दिन एक डिबेट खड़ी हो जाए इसके ऊपर। तो बेहतर यह है कि एक राष्ट्रीय नीति इसके ऊपर बनाई जाए एक सॉल्यूशन के तौर पर। आप तमाम अंग्रेजों के नाम ऐसे हैं जिन अंग्रेजों ने गांव के गांव जलाए थे, तहस नहस कर दिया था इस देश को, शहर के शहर जला दिए थे,
किताबों से मुगल गायब हो रहे हैं। अब अगर हम कह रहे हैं कि भाई मुगलों को मिटाकर क्या बीजेपी 2019 का चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, खासतौर से जो विपक्ष है वो पहले भी कह चुका है, अब भी कह रहा है, नई बात नहीं है नाम की राजनीति, ये आज से शुरू नहीं हुई है, ये बरसों से शुरू हुई है। आवाज उठनी थी तो पहले से उठनी चाहिए थी, जब एसपी आई तो अपना रंग दिया, जब बीएसपी आई तो नीला रंग दिया, जब बीजेपी आई तो उसका अपना अलग रंग दिखाई दे रहा है। तो ये तो रंगों की राजनीति और नाम की राजनीति तो बहुत पहले से होती आ रही है। मुझे देखिए, आपने अपने सवाल में ही जवाब बता दिया है, लेकिन अगर हम इस सोच से आगे बढ़े, और देखिए हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा कि जब अभी हमारे आदरणीय कांग्रेस के जो प्रवक्ता है राजपूत साहब कह रहे थे कि लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे क्यों नहीं रखा गया, तो ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए था। जब इंदिरा गांधी साहिबा के नाम पर 21 शैक्षणिक संस्थानों के नाम, यूनिवर्सिटीज के नाम है, और जवाहरलाल नेहरू के नाम पे अभी 22 है, अब राजीव गांधी के नाम पे 25 है, और ऐसे तमाम जगह जो इन लोगों के नाम पे, उस वक्त आपको लाल बहादुर शास्त्री याद नहीं आए, उस वक्त आपको राजपूत साहब ये नहीं लगता था कि क्या ये लोग जो समाज के बहुत निचले तबके से आए थे और हिंदुस्तान के सामने आके छा गए थे, बहुत बड़े नेता हुए थे, आपने उनके नाम पे किसी यूनिवर्सिटी का या किसी स्कॉलरशिप का कभी नाम नहीं रखा। आपको ये ध्यान तब आता है जब एक अंत हेदो की बात करने वाले एक महामानव, आप उनके विचारों को समझने की कोशिश कीजिए, जिन्होंने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लक्ष्य को बताया कि किस तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जाए। सवाल का जवाब सुरेंद्र राजपूत जी आपसे जरूर लेंगे, लेकिन जो बाकी बचे मेहमान हैं उनके पास भी जाना जरूरी है। हम यहां पर आपसे संजय अग्रवाल जी समझने की कोशिश करेंगे कि आपको भी इस पूरी तस्वीर में दिक्कत हो रही है, क्योंकि अखिलेश सरकार ने किस तरह से, चाहे लैपटॉप हो, चाहे किस तरह से बैग्स हो, किस तरह से जो बड़े बड़े बैनर्स थे रास्ते से, सब कुछ हमने देखा कि उन्होंने अपने रंग में से रंग दिया था, हरा नीला रंग जो भी सामने आया था, हरा और लाल रंग जो भी सामने आया था, सबने वो देखा था। क्या दिक्कत यहां पर सामने आ रही है नाम को बदलने को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें ये कहूंगा कि मुगल सराय का नाम बदलने से कई गुना पहले बहुत सी बातें हैं जिसको समझने की जरूरत है। आज मुगल सराय जंक्शन से कई ट्रेनें चलती हैं, जो इलाहाबाद भी जाती हैं, 200 ट्रेनें जाती हैं इससे भी ज्यादा, और बनारस जाती हैं। ये 200 ट्रेनें में 90% ज्यादा ट्रेनें 1.5 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा लेट चलती हैं। क्या ये प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए कि पहले हम उन ट्रेनों का समय ठीक करने का प्रयास करें? जो जनता वहाँ हलकान होती है, परेशान होती है, तो उसको एक अच्छी ट्रेन की एक समय सारणी के हिसाब चलने वाली व्यवस्था प्रदत्त करें, नंबर एक। नंबर दो, आज आपने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम रख दिया हमने क्योंकि उनकी वहां पर मृत शरीर मिला था, वहां पर उनका संदिग्ध अवस्था में। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय जी की हम भी बहुत तहे दिल से इज्जत करते हैं, वो हमारे देश के लिए जो कुछ महापुरुष हुए, अग्रणी लोग हुए, हम ऐसा मानते हैं, वो भी बहुत भले और अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बात की जो कि समाजवादी पार्टी है, समानता के साथ करती है, नंबर एक। लेकिन क्या आपने उसकी अब तक सच में जांच कराई है? उत्तर प्रदेश में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या आपने उनकी जांच आज तक करा पाए? आप मानते रहे कांग्रेस शासन काल में, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए, बोला नहीं जाना है, बाकी मेहमानों के पास भी क्या आपने लगाई? आज आपने सोचने का विषय समझा कि जब आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय कौन व्यक्ति उनके साथ था, कौन कौन व्यक्ति उनके साथ था, शायद उसमें कुछ लोग अभी जिंदा है, क्या उनसे कभी पूछा गया? ठीक है, अभी पूछा गया कि दीनदयाल उपाध्याय किन परिस्थितियों में मरे थे, क्या उसकी कोई जांच हुई? कतई नहीं हुई। हमारी मांग है कि उसको समझा जाए। फिर आज अंग्रेजों को बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि इस देश के अंदर अंग्रेजों ने पूरे भारतवर्ष का सोना चुरा लिया, यहाँ गुलाम बनाकर रखा। ठीक है, समझ गए आपकी बात। क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार में है? अतीक रहमान जी, अतीक रहमान जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहती हूँ, मुगलों का एक सेकंड, संजय जी, बाकी सबको वक्त मिलना है, एक सेकंड, रुकिए, संजय जी, व्यक्ति है, संजय
व्यक्ति की तुलना धर्मों से नहीं की जा सकती। बाकी यहाँ पर नहीं ना, सिर्फ सुनने के लिए नहीं आया, सबको बोलना पड़ेगा यहाँ पर। एक सेकंड रुक जाइए सर, अंत में बुलाया था ना, उसके बावजूद भी आप जो बोलने नहीं दे रही। आप बोलिए, कितना बोलेंगे अभी आप, एक मिनट हो गए, बाकी सबको 30 सेकंड बोलिए, आप मेरी बहन आप बोलिए। तो अतीक उर रहमान जी, मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहती हूँ, सियासत होती आई है और हम लोग कहते हैं कि भाई सियासी पार्टियां हैं, आपको सियासत करनी चाहिए, लेकिन नाम बदलने की राजनीति, इतिहास मिटाने की चाहे राजनीति हो, चाहे रंगों में रंगने की राजनीति हो, क्या ये सबसे ज्यादा जरूरी है? क्या यही सबके लिए प्राथमिकता है? मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगी, हाँ आज की तस्वीर को लेकर सवाल जरूर खड़ा कर रही हूं। जी, ये जो भी इनकी प्राथमिकता है, इनसे इनका जहन जाहिर होता है कि ये क्या सोच के लोग हैं। मैं आपका और पैनल का ध्यान 1980s की तरफ दिलाना चाहूँगा। बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रपोजल आया था वहाँ की कमेटी में, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के अंदर, के मुग़ल हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया जाए। उस वक्त के बोर्ड के जो मेम्बर थे, डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया इस्लामिक स्कॉलर थे, मेरे गुरु थे, उन्होंने उस वक्त ये दावे के साथ ये साबित कर दिया था बॉम्बे यूनिवर्सिटी में कि अगर मुगल हिस्ट्री को आप समाप्त करना चाहते हैं तो बहुत शौक से कर सकते हैं, लेकिन ये 1000 साल का, 700 साल का जो पीरियड है, इसको आप किस तरह से खत्म करेंगे, और ये मुमकिन नहीं है। और बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने इसको खत्म नहीं किया और आज भी मुगल हिस्ट्री वहां पर पढ़ाई जाती है। दूसरी तरफ मैं ध्यान दिला चाहूंगा प्रेम शुक्ला जैसे और बीजेपी के दूसरे मेंबर्स को कि देखिए, आप अगर हिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे, ये नाम बदलने की आप ये जो कुछ भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, क्या आप किताबें भी ख़त्म करेंगे? आपको पता है मुगल हिस्ट्री से रिलेटेड ऑक्सफोर्ड के अंदर कितनी हिस्ट्री बुक्स हैं? ऐसी का रिएक्शन प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, मुंबई लोगों के जहन से मुगल वास्तुकला, उर्दू भाषा, मुगलई व्यंजन, सबसे मुगलों का जो इतिहास है उसे कैसे मिटाया जाएगा, वो कैसे मिट जाएगा, ये यही सवाल मेरे ख्याल से अतीक उर रहमान यहां पर पूछना चाह रहे हैं। मुझे इनके अज्ञानता पर तरस आ रही है। मुझे 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 अतीक इस्लामिक स्कॉलर है तो उसमें अज्ञान हो गया, वो आप बुद्धिमान हो गए, बहुत बढ़िया। इतिहास से कोई, बहुत बढ़िया, ठीक है, बोल लेने दीजिए, मैं जवाब देता हूं। कोई लेनदेन, सुन लीजिए, हाँ मुगल सराय का, अब सुन लीजिए, मुगल सराय का मुगल इतिहास से कोई लेनदेन नहीं है। मुगल सराय का मुगल इतिहास से कोई, अरे डलहौजी का क्या लेना देना है इस देश से? अभी डलहौजी का क्या लेना देना है? वो अमेरिका में जाकर के भोजन कराएंगे, बड़ी बड़ी बातें कराएंगे, बदलना चाहिए। आपत्ति है, हम उस पर भी समर्थ है, बदलिए उस पर भी नाम प्रस्तावित कीजिए। अरे आप में हिम्मत हो तो, मैं कई बार कह चुका हूँ, चाइना भारत देश बस वोट बैंक मजबूत करने के लिए सियासी तौर पर नहीं दिखना चाहिए जो कि होता है। जी देखिए ऐसा है जी, सबीना जी कैसे ऐसे चर्चा होगी? एक मिनट मुझे कुछ बोलने दीजिए, कम से कम मुझे लगता है न्यूनतम प्रेम शुक्ला जी मैं आऊंगी, छोटी सी बात। हाँ नहीं, आपने मुझे प्रश्न पूछा, दो लोगों ने उसमें चीख चिल्ला दिया, अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे, मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ, नहीं नहीं, अब इनसे चीखने चिल्लाने वाले लोगों से बात करा ली, नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं चीखेगा, कोई नहीं चिल्लाएगा, जहाँ लगेगा कोई गलत है उत्तर ही नहीं लिया आपने। बात मैं आऊंगी, आऊंगी आपके पास, आपको सुनना चाहूंगा, कोई भी कोई भी इतिहास ना तो खत्म किया जा सकता है ना दबाया जा सकता है। पहली बात, इतिहास इतिहास है, और इसके साथ साथ एक बात और समझ के चलिए। मैं अभी वो सब बॉम्बे यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दे रहे थे, अरे भाई मुगल हिस्ट्री खत्म नहीं की जा सकती, उसकी वजह बता दूं, अगर आप बाबर नहीं पढ़ाएंगे तो फिर राणा सांगा कैसे पढ़ाएंगे? बहुत बढ़िया। अकबर नहीं पढ़ाएंगे तो राणा प्रताप कैसे पढ़ाएंगे? शिवाजी को सामने रखना है, चाहे देखिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ व्यू पॉइंट से। तो इसलिए जो मैं बात आपसे कह रहा हूं कि इतिहास खत्म नहीं किया जा सकता। सवाल देश में एक सबसे बड़ा इतिहास का यह है कि जो इतिहास अंग्रेजों ने लिखा इस देश को, इस देश को बांटने के लिए 1857 के बाद से हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए, बहुत बढ़िया, उस बटाए हुए इतिहास को एक हटा करके और देश को जोड़ करके जो आजाद हिंद फौज लड़ी थी, जो नेताजी लेकर के चले थे, जो 1857 के अंदर बहादुर शाह जफर के नीचे सारे रजवाड़े मिलकर के लड़े थे, आज देश में जरूरत उसकी है। प्रेम शुक्ला जी रिएक्शन आप इस पर दीजिए। कपिल कुमार जी ने अपनी बात यहाँ पर बहुत सटीक शब्दों में रखी है, हम तो कह रहे हैं कि भाई आप अपना वोट बैंक किसी भी तरह मजबूत कर सकते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा सबीना, विरोधी जो है कपिल जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा,
आऊंगी अतीक रहमान जी आपके पास आऊंगी, उनकी बात कट गई थी। अभी ना मैं कपिल जी से सवाल पूछना चाहूंगा। प्लीज पूछवाइए, पूछवाइए। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, पहले आप अपनी बात रखिए। आपके यहाँ सबीना जी अरे नहीं सबीना जी, मैं कपिल कुमार जी को सुन नहीं पाया। बहुत कपिल कुमार जी बहुत मुद्दे की बातें करे, लेकिन ऑडियो प्रॉब्लम के कारण मैं कपिल कुमार जी को सुन नहीं पाया, इसलिए उस पर कोई रिएक्शन नहीं दे सकता। लेकिन जो मुद्दे की बात है, जहां भी पूरी दुनिया में जहां पर भी औपनिवेशिक या बर्बर किस्म के कहीं भी संकेत होते हैं या नाम होते हैं, उसको परिवर्तित करने की परंपरा रही है। अभी एलिफेंट स्टेशन मुंबई में था, मुगलों के नाम पर जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जब तक मिलकर काम नहीं करेगा भारत देश कैसे। चर्चा कराने की कोशिश कर रही हूँ ना कि राजनीति दिखी नहीं। ठीक है, आपने मुगल सराय को क्या मुगल से जोड़ दिया? समीरा जी कैसे चर्चा होगी ये? मैं कुछ बोलूंगा और दो लोग चीख चिल्लाकर मेरी बात नहीं हो जाता जाने देंगे। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात अब कंप्लीट करें, मुझे ब्रेक भी यहाँ पर लेना है, बात मेहमानों के पास भी आना है। नहीं बोलेंगे, मैं जाता हूँ चर्चा में से। ये तीन लोग जब मैं बोलूंगा चिल्लाएंगे। बात करिए करिए करिए। नहीं बहुत दुखद बात है, मैं मुद्दे की बात रख रहा हूँ भैया। एलिफेंट स्टेशन का नाम प्रभा देवी कर दिया गया, किसी को आपत्ति नहीं हुई। विक्टोरिया टर्मिनस का नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया, किसी को आपत्ति नहीं हुई। क्यों नहीं आपत्ति हुई पता है? क्योंकि उसके नाम पर जो है कोई जो है वोट बैंक नहीं खड़ा हो रहा था। विक्टोरिया टर्मिनस के नाम पे मुसलमानों का या ईसाइयों का वोट नहीं दिया जा सकता था। एलफिंस्टन के नाम पे वोट नहीं दिया जा सकता था। मुगल नाम पर आपको लगता है कि मुसलमानों की भावनाओं को भड़का कर प्रेम शुक्ला जी आपने अपनी बात यहाँ पर रखी और हमने सुनी है। अतीक रहमान ब्रेक में जाना है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आप क्या कुछ उस पर कहना चाहेंगे? क्योंकि हम लोगों की कोशिश सिर्फ यही है कि एक तो इतिहास यहाँ पर बचा रहे, कोशिश यही भी है कि जो इतिहास से जुड़े तथ्य हैं उस पर किसी तरह की छेड़खानी ना हो। तमाम चीजें हैं यहाँ पर सामने। नहीं नहीं कपिल जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ, जी। कपिल जी मैं ये हमेशा से ये मेरी ये पूछने की ये रहती है हिस्टोरियन से, क्या हिस्ट्री को हम बैगेज बना के प्रेजेंट जनरेशन के ऊपर लाद सकते हैं क्या? नहीं।